सो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। तो सपोज मेरे पास कुछ सेल्स हैं, डन। तो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, ईएमएफ होता है, और मैंने इसको सेम पोलैरिटी में लगाया, डन। तो यहाँ शायद लास्ट टाइम मैंने नेगेटिव रखा था, तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसका ईएमएफ 10 वोल्ट, इसमें कुछ रेजिस्टेंस 2 ओम, डन। अगेन मैंने इसके साथ एक सेल है मेरा, अगेन मैंने इसके साथ एक और सेल को लगाया पॉजिटिव यहाँ, अच्छा ऑपोजिट पोल में, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ लगवाना है, डन। अगेन इसका 10 वोल्ट का ईएमएफ, रेजिस्टेंस आपका 2 ओम मान लो, डन। इसके साथ मुझे एक और लगवाना है, दैट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, 10 वोल्ट 2 ओम। ऐसे करके मैंने एन नंबर ऑफ लगा दिया, ठीक है। दैट इज़ इफ एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड विथ ईएमएफ, एक एक का ईएमएफ कितना है, ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, एक एक जन के इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, डन है। कहने का मतलब पूछे है, 10 वोल्ट की जगह मैं फिलहाल में ई ईएमएफ मान रहा हूँ, ए ई ईएमएफ मान रहा हूँ, ई ईएमएफ मान रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 मान रहा हूँ, ठीक है। इस तरह एन नंबर ऑफ कनेक्टेड है। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ, ई इक्विवेलेंट, तो अगर 10 10 10, तीन अगर इस तरह 10 कनेक्ट होते क्या करते, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30। दैट इज, देखो यार, अगर तीन 10 को आपस में प्लस करते हम तब भी 30 आता है, या फिर 3 × 10 कर लोगे तब भी 30 आता है। ये बातें क्लियर है, तो दैट इज एन इंटू ई कर रहे हैं हम, ये बातें क्लियर है। एंड इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2, दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, या फिर 2 × 3 ये भी 6 होता है, या फिर 3 × 2 बोल दो तब भी 6 होता है, डन है। दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, एन इंटू आर हो रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। सो अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इफ वी कनेक्ट दिस कॉम्बिनेशन विथ अ एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नल रेजिस्टर आर के साथ कनेक्ट करें, कहने का मतलब कुछ ऐसा है, एक कॉम्बिनेशन है, करंट कैसा है, पॉजिटिव में से निकल रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने जो एन नंबर ऑफ सेल्स है, इस कॉम्बिनेशन को मैंने एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल दैट इज़ आर के साथ, कोई एक लोड के साथ कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, देन यहाँ से जो करंट ड्रॉ होगा, देन वो लिखना है, ठीक है। देन करंट ड्रॉन इज, तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट यहाँ पे पोटेंशियल सप्लाई करने, दैट इज आपका ई एम एफ करंट को सप्लाई करने वाला है, दैट इज V इज इगल टू आई आर होता है, ई एम एफ के टर्म भी लिखेंगे, E इज इगल टू आई, जो यहाँ से आई बाहर आने वाला है, प्लस R क्या है, इक्विवेलेंट, देखो हम इक्विवेलेंट के टर्म पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट, ठीक है, करंट ड्रॉन, ये टोटल कितना करंट को ड्रॉ करने वाला है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस टोटल कॉम्बिनेशन में से कितने करंट ड्रॉ करेगा, दैट इज E इक्विवेलेंट, दैट इज V इज इगल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये बातें क्लियर है। तो यहाँ से आई कितना ड्रॉ होने वाला है, तो आई आपका ड्रॉ होने वाला है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट ड्रॉ करेगा। ई इक्विवेलेंट कितना आया था आपके पास, एन इंटू ई, आर इक्विवेलेंट कितना आया आपके पास, अच्छा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इस बार, एन आर, एन आर क्या आ जाएगा आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इस बार लोड भी कनेक्टेड है, दैट इज कैपिटल आर, डन। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल स्मॉल जो आर्स होंगे, स्मॉल स्मॉल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल के साथ, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, एन आर जो सारे इंटरनल बना रहे हैं प्लस आर एक्सटर्नल वाले, कैसे, सीरीज में कनेक्टेड है ना वो सारे, ये बातें क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग केस आते हैं, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग केस। तो पहला केस है यहाँ पे, केस वन, अब हम मानते हैं कि जो तुम्हारा जो बाहर मैंने लोड लगाया, यहाँ पे मान लो एक बहुत बड़ा लोड है, जैसे मान लो कि मैं कोई एक लेथ मशीन को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेथ मशीन मतलब लोहा हुआ काटता है ना वाला मशीन, तो उसमें कॉयल होता है, कॉयल में गजब वाला रेजिस्टेंस होता है, दैट इज़ अगर मैं मानूँ जो मेरा एक्सटर्नल लोड है वो बहुत ही ज़्यादा है कम्पेयर टू, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है कम्पेयर टू आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के, सो उस केस में
करंट कितना होगा, दैट इज एन ई डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है, इंटरनल बहुत ही कम है, तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो भाई आर बचेगा। ये क्या था, टोटल करंट ड्रॉन होगा उस केस में, करंट ड्यू टू सिंगल वन, करंट सिंगल, अगर सिंगल सेल था तो सिंगल सेल कितना करंट को ड्रॉ करवाता, दैट इज सिंगल सेल, तो एन के जगह में क्या वन डाल देना है, ई अपॉन आर आएगा आपका। तो यहाँ देखो, जब हम लोग बाहर में कोई ज़्यादा एक एक्सटर्नल लोड को क्या मतलब बहुत बड़ा एक लोड को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में बाहर में, तो उस केस में क्या होता है, करंट ड्रॉ क्या होता है, टोटल करंट ड्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है, दिख रहा है ना। सो करंट इंक्रीजेस, करंट ड्रॉन इंक्रीजेस, क्यों, अकेला बेचारा ई बाई आर, अकेला सेल ई बाई आर सप्लाई कर रहा था करंट, अब टोटल क्या हो रहा है, जब हम लोग मान लिया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो कितना एन ई बाई आर आ रहा है, डन। सिमिलरली केस टू भी डिस्कस करना है इसका, केस टू में क्या है, हम मान लेते हैं कि स्मॉल जो आपका कैपिटल आर है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है एक्सटर्नल से, इसका मतलब है ये आपस में सेल्स क्या है, कनेक्टेड है, आपस में ये सारे सेल्स कनेक्टेड है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड है, डन। अब इंटरेस्टिंग क्या है, बाहर में कोई लोड नहीं है, मान लो सिंपल वायर है, सिंपल वायर में क्या ही रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल नहीं होता है, अगर सिंपल वायर में कनेक्टेड है तो कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, डन है। तो इस केस में अगर हम देखते हैं, सो नेग्लेक्ट किसको कर देंगे इस बार, नेग्लेक्ट कैपिटल आर, सो कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करेंगे तो टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा, इस फॉर्मूले से टोटल करंट जो मैंने निकाला था, टोटल करंट जो सर्किट ड्रॉ कर रहा है, दैट इज एन ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो कितना बचेगा, एन आर बचेगा, एन एन कट जाएगा, दैट इज ई अपॉन आर आएगा, डन। ए था क्या, टोटल करंट ड्रॉ, अभी करंट ड्रॉन बाई सिंगल सेल, सिंगल सेल कितना ड्रॉ करवा सकता था, कंपेयर करना है हमें ना, करंट बाई सिंगल सेल, सिंगल सेल कितना ड्रॉ कर सकता था, दैट इज यहाँ अगर हम देखते हैं सिंगल सेल आई एस, यहाँ पे तो इनका फैक्ट्री नहीं है, दैट इज E बाई आर, यहाँ पे भी E बाई आर आया था ना, E बाई, अच्छा E बाई यहाँ पे कैपिटल आ रहा था, यहाँ पे E बाई स्मॉल आर आ रहा है, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो देखो, जब टोटली जब बाहर कुछ कनेक्टेड नहीं है तब भी टोटल E बाई आर ले रहा है, और अकेला वाला भी E बाई आर ही सप्लाई कर रहा है, डन है। तो इस केस में क्या होता है, करंट, करंट ड्रॉ क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, करंट ड्रॉन इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब है अगर तुम्हारे पास तुमने बहुत सारे बैटरी को आपस में कनेक्ट किया, कनेक्ट करके उसको एक ऐसा वायर से बांध के रख दिया, तो धीरे धीरे उसमें से करंट फ्लो होते रहेगा धीरे धीरे, बहुत ही कम कम करंट फ्लो होते रहेगा और धीरे धीरे डिस्चार्ज करेगा, ये तो हमें पता है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इन सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल, करंट ड्रॉन बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बराबर है, किस पे डिपेंड करता है, प्योरली डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये लोग करंट भी ज़्यादा ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक हमें बात है क्लियर है। तो ये था आपका कनेक्शन जब हम करते सीरीज में आपका सेल्स का, और ये भी क्या, आइडेंटिकल सेल्स, तो ये केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इफ़ एन नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट हैपेंड इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड बाई लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपसे केसेस पूछ सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है पूछने पर, डन है। तो ये होता है जब हम सेल्स को इक्वल्स आइडेंटिकल सेल्स को कंबाइन करते हैं सीरीज में, डन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।